लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। राइटर को हम सीखेंगे तो राइटर में देखेंगे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, कौन कौन से फीचर मिलते हैं और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो राइटर का इस्तेमाल देखेंगे, कुछ पर्पज होते हैं, जैसे कि आपको लेटर टाइप करना है तो लेटर टाइप करना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वन डे एग्जामिनेशन पेपर बनाना है, वन डे एग्जाम पेपर, तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी फ्रंट पेज बनाना है, ठीक है ना, फ्रंट पेज, कवर पेज, अगर फ्रंट पेज, कवर पेज कुछ भी आपको बनाना है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप किसी भी प्रकार का टेबल कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बुक के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुक हो, मैगजीन हो, ठीक है ना, बुक या मैगजीन जब छापते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसी पर जो है वो कंटेंट बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट की जाती हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंप्लीट करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका फ्रंट पेज, जैसे आप टेस्ट पेपर जो होता है, टेस्ट पेपर कोचिंग वाले होते हैं देश में कि देखेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं जो आपको क्या करते हैं कि आपको टेस्ट पेपर देते हैं कि ये लीजिए आपका 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है। तो जो टेस्ट पेपर बनाया जाता है वो इसी पे बनाया जाता है, ठीक है ना। आपका छोटी क्लास का, जैसे 6th क्लास का 7th क्लास का 8th क्लास का 9th क्लास का, किसी भी क्लास का जो पेपर होता है वो भी यहीं पर टाइप किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राइटर इम्पॉर्टेंट है अगर बेसिक देखा जाए तो। बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन सब चीज़ों की होती है, ये बेसिकली रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जिसमें कि हम राइटर को हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमें 50% का नॉलेज हर एक सॉफ्टवेयर पर कमांड मिल जाएगा। अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जैसे कैल्क ओपन करेंगे, इम्प्रेस ओपन करेंगे, तो 50% चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, मतलब 50% चीज़ें आपको पहले से नॉलेज में होंगी, क्योंकि जब ऑप्शन सेम होंगे तो वर्क भी उनके सेम होंगे, ठीक है ना। तो राइटर को हम सबसे पहले अब देखने चलते हैं और इसी को हम पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा राइटर में ही लगता है, कैल्क और इम्प्रेस जो होते हैं इसमें टाइम कम होता है, कम लगता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, राइटर को जब हम पढ़ते हैं तो एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव 2-3 चीज़ें कंपल्सरी होती हैं कि जब हम राइटर को पढ़ते हैं तो राइटर का शॉर्ट की इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट की, आई गेस शॉर्ट की कहीं भी मिलेगा तो शॉर्ट की को हमें पढ़ते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से शॉर्ट की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम हो, चाहे ओ लेवल का पेपर हो, ठीक है ना। मतलब किसी भी एग्जाम को लेकर के बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ शॉर्ट की से क्वेश्चन बनते हैं। तो राइटर दिखता कैसा है, इसकी विंडो कैसी होती है, तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राइटर में सबसे पहले राइटर को ओपन करने का तरीका जान लेते हैं कि राइटर को हम ओपन कैसे करें। तो अगर राइटर को ओपन करना है तो राइटर को ओपन करने के 2 से 3 माध्यम बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस का मतलब स्क्रीन पर कुछ भी खुला है तो उसको इंटरफेस बोलेंगे। अब आपके सामने ये जो इंटरफेस खुला हुआ है, इस इंटरफेस में कहीं भी यहाँ पर राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, तो यहाँ से आप चूज करेंगे कि हमको राइटर पढ़ना है, कैल्क पढ़ना है कि इम्प्रेस पढ़ना है। तो हमने राइटर आपको बताया कि राइटर डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ना है, तो राइटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जिसमें कि ये आपका पेज होगा और ये आपके सामने पूरी एप्लीकेशन विंडो राइटर की ओपन हो जाएगी। मतलब ये एप्लीकेशन विंडो है, एप्लीकेशन विंडो है का मतलब अगर आप मोबाइल फोन चलाते हो तो मोबाइल फोन में देखते होंगे, जैसे मोबाइल फोन चलाते हैं तो जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो पूरी स्क्रीन पर व्हाट्सएप चलता है, जब आप यूट्यूब चलाते हैं तो पूरी स्क्रीन पर यूट्यूब चलता है, जब आप टेलीग्राम चलाते हैं तो पूरी स्क्रीन पर टेलीग्राम चलता है। तो मतलब जिस भी एप्लीकेशन को ओपन किया है, एप्लीकेशन ओपन है, जैसे व्हाट्सएप ओपन है तो स्क्रीन जो है वो व्हाट्सएप का इंटरफेस है, अगर यूट्यूब खुला है तो यूट्यूब का इंटरफेस है, अगर अदर किसी कंटेंट को आपने ओपन कर रखा है तो वो उस चीज का इंटरफेस है या वो उस चीज की विंडो है। समझ आ रहा है, विंडो, जैसे व्हाट्सएप की विंडो, यूट्यूब की विंडो और यहाँ पर टेलीग्राम की विंडो। मतलब किसी भी चीज को जब ओपन करते हैं तो पूरी स्क्रीन पर वही आ जाता है ना, तो उसको विंडो बोलते हैं, सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पर हम राइटर को पढ़ रहे हैं, जब राइटर को पढ़ रहे हैं तो राइटर को ओपन किया तो ये पूरा जो हमारे सामने खुल करके आया है, ये पूरा इंटरफेस
पूरा का पूरा इंटरफेस हमारा विंडो है, ठीक है ना। अब इस विंडो में कहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं, वो एक से दो नंबर के पॉइंट्स इसमें बनते हैं जिसमें कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी विंडो है, अब इस विंडो को देखेंगे, ये हमारा विंडो है। इस विंडो को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर करने का मतलब है कि पूरी स्क्रीनशॉट, जैसे मोबाइल में क्या होता है स्क्रीनशॉट हम लेते हैं, वैसे ही इस विंडो को कैप्चर करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन बटन का सहारा लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन बटन होती कहाँ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड खोलते हैं, OSK का प्रयोग करते हैं जिससे कि कीबोर्ड ओपन हो जाता है, और कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर में OSK का इस्तेमाल अगर बच्चे करेंगे तो उसमें आपके सामने कीबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा, कीबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे प्रिंट स्क्रीन बटन है, और इस बटन का इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाता है। ये मोबाइल की तरह नहीं होता कि स्क्रीन शॉट हो गया तो गैलरी में जाकर के स्टोर हो जाता है, इसमें स्क्रीन शॉट होने का मतलब ये है कि डेटा क्लिपबोर्ड में, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है यानी कॉपी हो जाता है, और कॉपी हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, फिर पेस्ट करने की जरूरत होती है। अच्छा, हमने इसको कॉपी कर लिया, अब कॉपी करने के बाद जिस प्लेस पर हमको इसको पेस्ट कराना है हमको उस प्लेस पर जाना पड़ेगा, और उस प्लेस पर हमें क्लिक करना है एंड देन कंट्रोल वी प्रेस करना है और पेस्ट हो जाएगा। तो हमने स्क्रीनशॉट अभी लिया नहीं है, फिर से एक बार देख रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये विंडो खुली हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट देखेंगे, अब हमने लिया तो स्क्रीनशॉट लिया तो वन ड्राइव आपके सामने खुल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट हमारे सामने आ गया, ये स्क्रीनशॉट आया। टाइम देख लीजिए, अभी का टाइम है, अभी टाइम डेट जो है वो प्रेजेंट का टाइम डेट यहाँ दिखाई दे रहा है 16:40, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज का टाइम और डेट दिखाई दे रहा है और अभी अभी हमने इसके स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये विंडो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, जिस विंडो में कहाँ पर क्या चीजें पाई जाती हैं उनको थोड़ा सा जानने की जरूरत होती है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपको ये बता दिया गया कि इस विंडो को ओपन करने का तरीका एक यहाँ से बता दिया गया कि यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा और इस इंटरफेस को आप यूज करिएगा, इस पर डबल क्लिक करिएगा या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे जाइए और इसमें टाइप करिएगा लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस टाइप करिएगा, अगर सिस्टम में आपके लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है तो दूसरी जगह से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो फिर यहाँ स्टार्ट बटन का सहारा लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जाइए, लिब्रे ऑफिस को क्लिक करिए और लिब्रे ऑफिस में देखेंगे राइटर है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका राइटर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, जैसे ही ओपन किया तो हमारे सामने ये विंडो दिखाई देती है। अब इस विंडो के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ पर इस विंडो में देखेंगे कहाँ पर क्या चीजें पाई जाती है, ये आप लोग अपना कॉपी पर नोट डाउन करिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने ये है अनटाइटल वन लिखा हुआ है, अनटाइटल वन लिखा हुआ है और येलो कलर का रो आपको दिखाई दे रहा है। जो येलो कलर का रो दिखाई दे रहा है वो येलो कलर का रो हमारा टाइटल बार कंसीडर किया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल बार जो होता है वो हमेशा सॉफ्टवेयर का नाम बताने का प्रयास करता है, मतलब सॉफ्टवेयर के नाम को डिफाइन करने का काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर को बताने का काम करता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका खुला हुआ है या ये सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम हमेशा शो करता है, सॉफ्टवेयर का नाम हमेशा दिखाई देता है, इस तरीके से हम इसको टाइटल बार को जानने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनटाइटल वन, अनटाइटल वन एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कभी भी राइटर को ओपन करते हैं, हमने राइटर को ओपन किया है, राइटर सॉफ्टवेयर ओपन किया है, राइटर को जब कभी ओपन करेंगे तो उसका डिफॉल्ट पेज नेम होता है, डिफॉल्ट पेज नेम या विंडो नेम जो होता है वो हमेशा अनटाइटल वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट पेज राइटर का है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वन, पेज वन, सीट वन और अनटाइटल वन, तो आपको अनटाइटल वन चूज करना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है।
तो ये टाइटल बार में दो जानकारी आपको यहाँ से, एक यहाँ से कि पेज है ये और ये हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है, दो चीजें यहाँ से पता चली। अब टाइटल बार आगे भी है मतलब लास्ट में भी है, तो इधर चल करके इसे देख लेते हैं टाइटल बार में क्या बाकी है। तो टाइटल बार में इधर देखेंगे आते हैं तो हमारे सामने ये क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन होता है, और ये जो होता है इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, और ये जो होता है इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मिनिमाइज मतलब ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज होता है, ठीक है ना। तो ये तीन जो होते हैं, ये तीन की पाई जाती हैं, ये तीनों की जो होती हैं ये टाइटल बार में उपस्थित होते हैं। तीनों का काम अलग अलग होता है, जैसे कि क्लोज का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट कर देना, बंद कर देना। अगर सॉफ्टवेयर पर हम काम नहीं करना चाहते हैं तो क्लोज बटन का इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमाइज का काम होता है विंडो को हाफ स्क्रीन में करने का, हाफ स्क्रीन में करने का, और विंडो को हाफ स्क्रीन और फुल स्क्रीन दो ऑप्शन मिलता है, हाफ स्क्रीन भी यूज करेगा और फुल स्क्रीन भी इस्तेमाल करेगा। अच्छा ये मिनिमाइज, MIZE मिनिमाइज, और फिर उसके बाद मैक्सिमाइज, और फिर उसके बाद मिनिमाइज का काम क्या है। तो मिनिमाइज का जो काम होता है वो पार्टिकुलर किसी भी विंडो को होल्ड करा देना, होल्ड करा देना। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में देखते हैं कि व्हाट्सएप चला रहे हैं और घर के कोई गार्जियन आ जाते हैं तो हम लोग व्हाट्सएप हटा करके पढ़ने वाला लगा देते हैं, जिससे कि घर वाले माता पिता सोचते हैं भैया पढ़ रहा है, ठीक है ना, सही है ना। विंडो बंद नहीं होती है, व्हाट्सएप वहीं पे चल रहा होता है, लेकिन हमारे सामने दूसरी चीज खुल जाती है। फिर जैसे ही घर वाले चले जाते हैं मोबाइल के सामने से तो हम लोग फिर से व्हाट्सएप चला लेते हैं, सही है ना। मतलब विंडो को टर्मिनेट नहीं किया, विंडो होल्ड है, विंडो वहीं पे रुकी है, वहीं पे रुका है का मतलब होल्ड है। और फिर उसके बाद जब फिर से हम उस पर जाते हैं तो वहीं से वो फिर से खुल जाता है, वहीं से काम करना शुरू कर देता है। यानी कि हमारा क्या है, ये मिनिमाइज जो होता है विंडो को होल्ड कराने का काम करेगा, कुछ इस तरीके का काम करेगा। जैसे इस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को ये देखेंगे हम मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारा टास्क बार में जा करके सेव है, मतलब टास्क बार में जा करके ये स्टोर है, और यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर स्टोर है। अगर हम इस पर दोबारा से क्लिक कर दें तो ये फिर से वहीं से जहां पर हम थे वहीं पर फिर से पहुंच जाएंगे। तो हमने देखेंगे यहां पर क्लिक किया, ये देखेंगे हमारे सामने ये चीज आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखेंगे हाफ स्क्रीन करने के लिए, मतलब यहां पर क्लिक करते हैं तो हाफ स्क्रीन विंडो हो जाएगा, मतलब विंडो हाफ स्क्रीन हो जाएगा, और इस विंडो को आप यहां से एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जितना चाहिए उतना छोटा कर लो, जितना चाहिए उतना बड़ा कर लो। फिर उसके बाद दोबारा से यहां क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, मतलब विंडो को हाफ स्क्रीन फुल स्क्रीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ये होल्ड कराने के लिए हाफ स्क्रीन फुल स्क्रीन, और ये जो होता है ये क्लोज कराने के लिए। मतलब अगर सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, फिर जब खोलेंगे तो नया खुलेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब आगे जाते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि देखेंगे यहाँ फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, और फिर उसके बाद फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडो है, हेल्प है, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब इनको मेनू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेनू बोला जाता है। ये मेनू बार है और मेनू की संख्या जो होती है वो संख्या होती है 11 होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है वो क्या होता है, तो मेनू बार होता है। मेनू बार में मेनू की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, 11 होती है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मेनू का प्रयोग क्या होता है, मेनू जैसे मोबाइल में देखेंगे हमारे पास कोई एप्लीकेशन ना हो तो हम क्या चलाएंगे, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर में अगर ये मेनू नहीं है तो हम इसमें क्या चलाएंगे, मेनू कुछ है ही नहीं है तो फिर यूज क्या करेंगे, कुछ नहीं। अगर प्लेन पेज मिल गया तो बस लिख करके खत्म, ठीक है ना, कोई ऑप्शन का यूज ही नहीं। अब मेनू और टूल्स होते हैं तो हमारे पास फंक्शन बढ़ जाते हैं, हमारे पास सुविधाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेनू है इसी के जस्ट नीचे, और फिर उसके बाद यहाँ छोटे छोटे जो चित्र दिख रहे हैं, ये जो चित्र दिख रहे हैं इनको टूल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमारा टूल्स होता है। अच्छा, दो पॉइंट यहाँ और समझना है, दो पॉइंट यहाँ पर ये देखना है कि ये वाला पॉइंट जो इसमें लिखा है लिबरेशन सेरिफ, ये आपका फॉन्ट होता है। फॉन्ट का मतलब जानते हैं, फॉन्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी देवनागरी,
वैसे ही यहाँ पर जब आप टाइप करोगे तो इंग्लिश भाषा में ही लिख जाएगा, इंग्लिश में लिखेगा, लेकिन इंग्लिश में भी आपको बोला जाएगा कि कौन सी भाषा में फॉर्मेट होगा। तो लिबरेशन सेरिफ, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप राइटर ओपन करते हैं डिफॉल्ट लैंग्वेज, डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब जब कभी भी इसे बंद करेंगे तो आपने कुछ भी चेंज किया था वो चेंज है, ठीक है, लेकिन जब भी ओपन करके नया विंडो खोलेंगे तो हमेशा यही सेट हो जाएगा, मतलब कुछ भी कर लो यही फॉन्ट हमेशा सेट रहेगा। अच्छा, तो ये लिबरेशन सेरिफ, ये फॉन्ट यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट होती है, तो हम ये डिफॉल्ट फॉन्ट के नाम से जानते हैं इसको, लिबरेशन सेरिफ। और ये साइज होता है, साइज मतलब कैरेक्टर का साइज, जैसे ए लिखा तो इतना छोटा है, ए लिखा इतना बड़ा हो गया, ए लिखा इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ साइज होगा, इसका भी साइज होगा, इसका भी साइज होगा। तो हमेशा डिफॉल्ट आपको मिलेगा 12 की साइज में, मतलब 12 की साइज में मिलेगा, मतलब 12 PT 12 के साइज में आपको मिलेगा। फिर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये देखेंगे, ये सारे ऑप्शंस मिले हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हमको इससे कोई लेना देना नहीं, ये सभी टूल्स में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट लिबरेशन सेरिफ, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12, ठीक है ना, 12, समझ आ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो देखेंगे हमारे पास ये क्या होता है, नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं जो चीजें यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन और बताना है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे सामने मिलता है ये ऑप्शन है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये है हमारा रूलर, इसको क्या बोलते हैं, रूलर बार। अब रूलर बार पेज के ऊपर भी पाया जाता है और पेज के लेफ्ट में भी पाया जाता है, मतलब जो पेज है ये है, ये पेज है, पेज का ऊपरी हिस्सा मतलब टॉप कहलाता है, मतलब टॉप में भी पाया जाएगा और लेफ्ट साइड भी पाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, देखेंगे इसको पीछे ले जाते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं, देखेंगे इधर तो आपको 1, 2, 3 ये रूलर मिल ही रहा है, इधर लेफ्ट साइड में भी आपको रूलर मिल रहा है, ये भी आपका रूलर है, मतलब ये भी आपका रूलर पाया जाएगा। रूलर कहाँ कहाँ होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेज के टॉप पर रूलर पाया जाता है और जो पेज है वो लेफ्ट में भी आपको रूलर दिया जाता है, मतलब लेफ्ट में भी होता है और टॉप में भी रूलर आपको दिया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है, आया ना समझ में, किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है ना, इत्मीनान के साथ। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इसका साउंड इसके साथ रिकॉर्ड हो गया तो ये आपको मतलब टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, और इसको यूट्यूब पर भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, उस पर भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, ओके डन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, इधर कुछ ऑप्शन है जिनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये ऑप्शन जो दिखाई देता है, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन, ये पेज को ऊपर लेकर के जाएगा और नीचे लेकर के जाएगा, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार यानी पेज को ऊपर नीचे ले जाने का ये साधन है, मतलब पेज को ऊपर खिसकाना हो नीचे खिसकाना हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। इधर देखेंगे ये कुछ की बनी हुई है, कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको हम लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार के नाम से जानते हैं, साइड बार, इसको साइड बार बोला जाता है, ठीक है ना। साइड बार के अंदर गैलरी है, नेविगेटर है, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना, ओके डन है। ठीक है, हाँ, मेनू बार के जस्ट नीचे रूलर होता है ना, मेनू बार के नीचे ये टूल्स होता है, टूल बार मतलब मेनू बार के नीचे जस्ट टूल बार होता है और टूल बार के जस्ट नीचे हमारा रूलर बार होता है और फिर उसके बाद ये पेज हो जाता है। डन है, अब इसी में नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर दो चीजें तीन चीजें और समझनी होती हैं, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले इधर चले आए लेफ्ट साइड, इसी के नीचे साइड लेफ्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो कुछ यहाँ पर आपको चित्र टाइप के फिर से दिखाई देते हैं, तो ये जो चित्र टाइप के दिखाई दे रहे हैं इन सभी को टूल्स बोलते हैं, ये टूल्स हैं। नीचे देखेंगे ये वाली रो को पकड़ेंगे, ये वाली रो मतलब ये वाली रो को देखेंगे, इसमें पेज 1 of 1 लिखा है, ठीक है ना, वर्ड 0 कैरेक्टर 0 यहाँ पर लिखा है और फिर उसके बाद डिफॉल्ट पेज स्टाइल लिखा है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये स्टेटस बार होता है, क्या होता है, स्टेटस बार,
स्टेटस बार में हमेशा क्या होता है, आपको लाइन की संख्या, पेज की संख्या, वर्ड्स की संख्या और इन सब का डिटेल्स जो होता है वो यहाँ ऑटोमेटिक मिलता रहता है, ऑटोमेटिक दिखाता रहता है, जिसे स्टेटस बार कंसीडर किया जाएगा। स्टेटस बार के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टेटस बार पाया कहाँ जाता है, तो जो विंडो होती है विंडो के बॉटम एरिया पर। जैसे टाइटल बार सबसे ऊपर पाया जाता है, मतलब अगर टाइटल बार की बात करेंगे तो टाइटल बार सबसे ऊपर टॉप पर पाया जाता है, और जो बॉटम पर पाया जाता है वो स्टेटस बार पाया जाता है। स्टेटस बार बॉटम एरिया पर उपस्थित होता है, बॉटम एरिया पर आपको ये चीज मिलता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लेगा, आज की क्लास में नहीं तो कल भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया तो कल लोग देखेगा, नहीं समझ में आ रहा तो उनसे पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद इसी में स्टेटस बार में चलते चले आएंगे तो स्टेटस बार में देखेंगे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। मतलब यहां पर देखेंगे जूम सेक्शन दिया हुआ है, जूमिंग, जूमिंग, जूम इन, जूम आउट, ठीक है ना? तो यहां पर देखेंगे आउट ऑप्शन मतलब कम करना और इन का मतलब बढ़ाना, यानी कि इसको अगर हम मैक्सिमम जूम पूछा जाता है एग्जाम में कि मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जूम 600% हो सकता है। मैक्सिमम 600% तक जूमिंग पेज की बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना? अच्छा, जो मिनिमम जूम पूछा जाएगा तो मिनिमम जूमिंग जो होगी वो मिनिमम जूमिंग होगी 20%, तो 20% तक हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? डन है? समझ आ रहा है? अच्छा, नोट डाउन कीजिए, जिसको लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हमें कॉपी पर लिखना पड़ेगा और एक बार रिवाइज की जरूरत पड़ेगी तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना? ओके, डन है? यहां तक क्लियर हो गया? अब फिर उसके बाद नीचे देखेंगे एक ऑप्शन और, ब्लैक कलर की जो पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, जिसमें यहां पर हमें टाइम और डेट दिखाई दे रहा है। यहां पर देखेंगे तो यहां हमें टाइम और डेट दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये जो ब्लैक कलर की पूरी पट्टी है इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। ये टास्क बार जो होता है, ये ब्लैक कलर के नीचे जो पट्टी है वो टास्क बार कंसीडर की जाती है, मतलब टास्क बार में इसको काउंट करेंगे। टास्क बार में टाइम और डेट यहां मिल जाता है, और यहां पर देखेंगे कुछ नोटिफिकेशन एरिया कहलाते हैं ये, नोटिफिकेशन एरिया कहलाते हैं ये। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिखाता रहता है कि भैया यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह देख लियो। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ टास्क दिए रहते हैं जो करंट में ओपन टास्क होते हैं, और यहाँ पर कुछ टास्क पिन किए गए होते हैं। तो यहाँ पे ये टास्क हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रोग्राम हैं जो यहाँ पर पिन किए गए हैं, मतलब पिन किए गए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्विकली एक्सेस कर सकते हो। मतलब क्विकली एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए तो मोजिल्ला फायरफॉक्स खुल जाएगा, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए तो जूम सेक्शन खुल जाएगा, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ओबीएस खुल जाएगा, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मतलब क्विक एक्सेस करने के लिए, और जो सॉफ्टवेयर होल्ड होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, इधर आते हैं तो ये देखेंगे ये सर्च बॉक्स होता है, ये सर्च बॉक्स, यहाँ से आप चीजों को सर्च कर सकते हो। अगर किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को चला रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हो। और फिर यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास स्टार्ट बटन होता है, मतलब स्टार्ट बटन होता है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को स्वाइप कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी, ठीक है ना? ओके, डन।